हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस थर्ड। लास्ट सेशन हमने किया था एनालिसिस ऑफ कंटीन्यूअस बीम बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रस। सी, एनालिसिस ऑफ पिन जॉइंटेड ट्रस बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा न्यूमेरिकल ऑन स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्रस का। सीधा प्रॉब्लम, एनालाइज द पिन जॉइंटेड ट्रस बाय स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। टेक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर ऑल मेंबर्स इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपके ट्रस ड्रॉ कर रखी है, ओ ए बी सी डी। एंगल गिवन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। आपकी हाइट दी रखी है 2.5 मीटर। ये आपके लोड लग रहे हैं 40 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर एक्स एंड वाई डायरेक्शन में। सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना, मीन्स एन इज इक्वल्स टू 2। द कोऑर्डिनेट्स आर सिलेक्टेड, कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट किया जो आपके लोड लगे हुए थे एक्स और वाई डायरेक्शन में। इसमें आपने एंगल फाइंड आउट करना है। जो आपको एंगल गिवन है वो गिवन है इनर एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। फ्रॉम द एंगल ऑफ ज्योमेट्री आपने फाइंड आउट किए एंगल ओ ए बी ओ बी सी। सो एंगल ओ ए बी आया आपका 150 डिग्री, एंगल ओ बी सी 135 एंड एंगल सी है आपका 90 डिग्री, एंगल डी आपका 60 डिग्री जो कि गिवन है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपको टेबल ड्रॉ करनी है फॉर द कैलकुलेशन फॉर असेंबलिंग स्टिफनेस। फर्स्ट स्टेप इसमें मेंबर को ड्रॉ करना। मेंबर है आपके ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। सी, मेंबर लिखिए आपने ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। नेक्स्ट स्टेप है ए ए बाई एल, देन थीटा, देन ए ए बाई एल कोस्क्वायर थीटा, ए ए बाई एल कोसीटा साइन थीटा एंड ए ए बाई एल साइन स्क्वायर थीटा। सो मेंबर लिखने के बाद हमने करना है ए बाई एल। सो ए बाई एल कैसे आया? सी, फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है पहले ओ ए के लिए एंगल ड्रॉ किया ओ सी ए। ओ सी की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 मीटर मीन्स 2500 mm, एंगल गिवन है 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है ओ सी, हाइपोटेन्यूस ओ ए। सो ओ सी की वैल्यू है 2500, ओ ए की आपने कैलकुलेट करनी है। सो ओ ए इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइड बाय साइन 30। सो आपकी वैल्यू है ओ ए की 5000 mm, ये वैल्यू है आपकी एल की। नाउ क्वेश्चन में गिवन है एरिया की वैल्यू इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर स्क्वायर और ई की वैल्यू गिवन है 200 किलोमीटर पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो फोर ए ई बाई एल आ गया आपका ओ ए के लिए 1000 इंटू 200 डिवाइड बाई 5000 मीन्स 40। सिमिलरली आपने क्या करना है, ओ बी के लिए कैलकुलेट करोगे तो एल की वैल्यू आएगी 2500 डिवाइड बाई साइन 45 मीन्स 56.569। सिमिलरली ओ सी के लिए कैलकुलेट करोगे ट्रिग्नोमेट्री के लिए सो ए बाई एल इजिकल्स टू 80 एंड फॉर ओ डी की वैल्यू आपकी आएगी ए बाई एल इजिकल्स टू 69.282। नाउ अपने वैल्यू को टेबल में पुट किया, ओ ए के लिए 40, ओ बी के लिए 56.569, ओ सी के लिए 80 एंड ओ डी के लिए 69.282। थीटा आपने राइट डाउन किए 150 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। नाउ ए बाई एल कोस्क्वायर थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू पुट की, ए बाई एल की वैल्यू पुट की। सो वैल्यू आ गई ए बाई एल कोस्क्वायर थीटा की 30, 28.285, 0 एंड 17.321। सिमिलरली आपने कोसीटा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की एंड ए बाई एल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ जब आप सबमिशन करेंगे ए बाई एल कोस्क्वायर थीटा का, सो वैल्यू आएगी 75.606 एंड जब सबमिशन करेंगे ए बाई एल कोसीटा साइन थीटा का, वैल्यू आएगी -15.606 एंड जब आप सबमिशन करेंगे ए बाई एल साइन स्क्वायर थीटा का, वैल्यू आएगी 170.247। अभी सबमिशन क्यों कर रहे हैं? सी, जो आपकी K11 की वैल्यू है वो आएगी ए बाई एल कोस्क्वायर थीटा का सबमिशन करके, दैट इज 75.606 एंड K21 इज इक्वल्स टू होगा K12, वो वैल्यू है आपकी सबमिशन ऑफ ए बाई एल कोस्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल्स टू -15.606 एंड K22 की वैल्यू आएगी सबमिशन ऑफ ए बाई एल साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 170.247। नाउ अपने फोर्सेज गिवन थे 40 एंड 60, सो P1 इज इक्वल्स टू 40 एंड P2 इक्वल्स टू -60, सेम एक्स और वाई डायरेक्शन की तरह पॉजिटिव नेगेटिव। देयरफॉर जो आपकी स्टिफनेस इक्वेशन होगी वो होगी 75.606 मीन K11 -15.606 K12 -15.606 K21 एंड 170.247 मीन्स K22 एंड डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 40 एंड -60। सो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की
इसमें आपने क्या क्या वैल्यू है आपकी 0.465 एंड माइनस 0.310। सो इसने आपने माइनस 0.310 को लिया डेल्टा ए वाई एंड 0.465 को लिया डेल्टा ए एक्स। ये क्यों कर रहे हैं सी, आपने निकालने अगर पी ओ ए के लिए, सो ए बाई एल इंटू डेल्टा ओ एक्स माइनस डेल्टा ए एक्स इंटू कोस थीटा ओ ए प्लस डेल्टा ओ वाई माइनस डेल्टा ए वाई इंटू साइन थीटा ओ ए। वैल्यू पुट की डेल्टा ओ एक्स की 0, डेल्टा ओ वाई की भी 0, डेल्टा ए एक्स के आगे 0.465 एंड डेल्टा ए वाई के आगे 0.310। सो वैल्यू है आपकी पी ओ ए के लिए 22.308 किलो न्यूटन। सिमिलरली पी ओ बी के लिए 56.569 इंटू 0.465 इंटू कोस 135 प्लस 0.310 इंटू साइन 135 डिग्री। सॉल्व किया पी ओ बी की वैल्यू है आपकी 31 किलो न्यूटन। सिमिलरली पी ओ सी की वैल्यू आई पी ओ सी इज इक्वल्स टू 24.8 किलो न्यूटन एंड पी ओ डी की वैल्यू आई 2.492 किलो न्यूटन। ये आपका लास्ट स्टेप था, अपने फोर्सेस फाइंड आउट करने थे ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी के लिए। एट द एंड आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू दैट स्टे होम एंड स्टे सेफ। सब्सक्राइब कीजिए सिविल ज्ञानी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग लेक्चर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने डाउट्स और सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ।